दोस्तों आज हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं बार बार कि सर कैनाइन डिस्टेंपर का इलाज बताइए और पार्वो वायरस का इलाज बताइए, पैरालिसिस का इलाज बताइए। बहुत सारे मेरे पास जो है सवाल आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन जो है ज़्यादा महंगी नहीं आती है। 200-250 रुपये की वैक्सीन आती है, और बात करें 9-in-1 की, 6-in-1, ये 200 से भी कम की आती है। एक 9-in-1 लगवा दें और दूसरा रेबीज जो है, रेबीज भी जो है आपका 70-80-90 रुपए की रेबीज का भी जो वायल आपकी आ जाती है। तो इन बीमारियों से बचना चाहते हैं, जैसे 9-in-1 की बात करें तो 9-in-1 के अंदर का मतलब है 9-in-1, एक में जो है 9 बीमारियों से लड़ने की जो है ताकत है। यदि 9-in-1 वैक्सीन जो लगवा देते हैं तो 9-in-1 वैक्सीन के अंदर 9 बीमारियों से भी बचाता है, जिसके अंदर पार्वो वायरस भी है, कैनाइन डिस्टेंपर भी है, लेप्टोरोसिस है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो बीमारी से जो है रोग से बचाव करते हैं वैक्सीन यानी कि टीका। तो ये टीकाकरण जो है आप समय रहते करा लें। पहला टीका लगाएंगे 6 हफ्तों में, यानी कि 1.5 महीने पे पहला टीका लगता है आपके पपी को। और दूसरे टीके की बात करें तो दूसरा टीका जो है फिर उसको 1 महीने बाद लगवा दें, और फिर 6 महीने में या साल भर में जो है बूस्टर डोज जो है आप उसको जारी रखें। बूस्टर डोज लगती रहे तो ये मतलब जो साइकिल है, चक्र है, टूटना नहीं चाहिए। ये वैक्सीन जो है उसकी टूटनी नहीं चाहिए। दूसरा उसको जो है रेबीज भी उसको जो है उसको रिपीट में मतलब बूस्टर डोज रेबीज की जो है वो भी लगती रहनी चाहिए, ठीक है। 6 महीने में लगा दें, साल भर में तो लगा दें जरूर दें। तो ये आपको जो है काम करने हैं। अब बात करेंगे बीमारी की। तो बीमारी जब हो जाती है तो जिस पप्पी को ये बूस्टर डोज लगी हुई होगी या वैक्सीन लगी हुई होगी तो उस पर जो है अटैक तो होगा, उस बीमारी को, बीमारी का अटैक तो होगा, ऐसा नहीं है, इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है, मगर फिर भी वो बच जाता है, बचने की उसकी कंडीशन हो जाती है। और आपने देखा होगा कि कुछ कुत्ते जो है सोते सोते जो है फिट आते हैं, उनको हल्के हल्के झटके से मारते रहते हैं। अब ये झटके क्या हैं, झटके जो है अटैक है, ये पार्वो का अटैक है। और कुत्ता जो है आगे पीछे को जो है झटके से मारता है, ये सब क्या है, सब अटैक हैं किस चीज़ के, या तो आपकी वैक्सीन फेल हो गई है या आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है। तो डिस्टेंपर का कोई इलाज कुछ खास नहीं है, फिर भी कुत्ता जो है वो झटके से जो है इलाज के बाद भी मारता रहता है। तो यदि इन चीज़ों से बचना चाहते हो तो इन चीज़ों से बचने के लिए समय से जो है वैक्सीन कराएं। साल भर का खर्चा जो है 500 रुपये से ज़्यादा नहीं आता वैक्सीन का, मैं बता रहा हूँ आपको। पहले के साल जो है वैक्सीन का खर्चा 500 रुपये, उसके बाद तो वो जो है मात्र 200 रुपये में, 300 रुपये में जो है उसका जो है हो जाएगा, 250-300 रुपये में हो जाएगा। तो ये 250-300 रुपये आप साल में एक बार तो खर्च कर सकते हैं यार एक डोज पे। शुरू में 500 रुपये लग जाते हैं क्योंकि वैक्सीन जो है रिपीट होती है 1 महीने के बाद, यानी 12 हफ्ते पे जो है फिर रिपीट हो जाए, पहले 6 हफ्ते फिर दूसरी 12 हफ्ते पे, फिर उसके बाद जो है फिर बूस्टर डोज लगती रहती है, उस चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है। तो ये सारी समस्याएं जो है ठीक हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि किस नाम से आती है, कैसे लगाएं। नाम बता दूं मैं आपको, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे आपका रेबीज की है तो रक्षा के नाम से आती है। रक्षा के नाम से रेबीज आती है, और 9-in-1 वगैरह जो है आपके मेगावैक के नाम से, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसको बनाती हैं। तो ये दवाई आप जब मांगेंगे उसको जब लेके आएंगे तो बर्फ में आइस पैक के अंदर जो है लेके आए, आइस पैक नहीं है तो पिंडी के अंदर बर्फ के टुकड़े डाल लें, उसके अंदर वायल की छोटी छोटी सीसी डाल के उसको लेकर आए। टेम्परेचर जो है वैक्सीन का 2 से 7 के बीच में रहना चाहिए, ज्यादा हो जाएगा खराब हो जाएगा। वो जो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा 7 से, गर्मी हो जाएगी तो खराब हो जाएगा, इसलिए वैक्सीन का कोई फायदा नहीं। कहने का मतलब ये है कोल्ड चेन जो है टूटनी नहीं चाहिए। अब बात करेंगे उसको लगाएं कैसे, सिरिंज के अंदर और उसके अंदर जो है लगा दो। ये जो है सबकट लगता है, खाल को उठा के उसके मांस से, मांस के और खाल के बीच में जो है टिशू होते हैं, उस टिशू के अंदर जो है ये लगता है और आपका डॉग जो है पूरी तरह से सेफ हो जाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं
कि किस तरीके से इस वैक्सीन को लगाया जाता है, आइए दिखाते हैं। जैसा कि आपको बताया कि रक्षा रैब के नाम से जो वैक्सीन आती है तो इसको हम आज लगाएंगे। तो हमारे पास जो है ये बुल मैस्टिफ की जो ब्रीड है इसको हम आज रेबीज लगाएंगे। तो रेबीज के जो फ़ायदे आपको पता ही है, कुत्ते में पागलपन की समस्या नहीं आती, लार की समस्या नहीं आता है, और कुत्ते जब इसको किसी को काटेंगे, किसी आदमी को, तो उसमें जो है पागलपन की समस्या नहीं आती है, इसलिए रेबीज का इंजेक्शन लगाते हैं। तो इसको जो है आइस के अंदर चीनी ले लेंगे 5 ml डेयरी मिल्क, और सिरिंज भरने के बाद जो है इसको लगा देंगे इसको। और ये बता दूं जानकारी के लिए, ये सब कट लगता है, खाल को उठाकर जो है इसको लगाया जाता है। और इसको लगाने के बाद इसका जो वैक्सीन चार्ट होता है, इसकी जो वैक्सीन का जो कार्ड होता है, उसमें वैक्सीन की एंट्री करनी है आपको कि किस डेट में आपको जो है रेबीज लगाया है आपने, और उसकी नेक्स्ट डेट जो है अगली डेट कब आएगी, वो सारी चीज़ उसमें नोट करनी होती है। तो प्रैक्टिकल में आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो है आपको सिरिंज भरनी है और किस तरीके से आपको लगानी है। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप भी इसको लगा सकते हैं। इंजेक्शन जो भर लिया है इसको जो है ऊपर तक ले जाएंगे, इसमें बबल यानी बबल नहीं पड़ने चाहिए, और कहीं भी आगे पीछे जो है इसको कहीं भी लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके लगाने के लिए आप जो है इसकी स्किन को जो है उठा लें, ऐसे स्किन को उठा लें ऐसे, और स्किन को उठाने के बाद जो है इसको लगा दें। लगाने के बाद जो है अच्छे से इसकी मालिश कर दें। तो इस प्रकार जो है आप भी इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा लगाने के बाद जो है इसके वैक्सीन कार्ड में जो है इसकी एंट्री जरूर करें। वैक्सीन कार्ड के अंदर जो है इसकी एंट्री कर दें किस डेट में जो है आपने ये लगाया है। उससे पहले जो है तो इसको जो है निकाल लेंगे, इस पे निकालने के लिए स्टीकर होता है, और इस स्टिकर को जो है रेबीज के स्थान पर जो है इसको चिपका दें और डेट डाल दें। और ये कीड़े की दवाई है ये, यानी डिवार्मिंग, उसकी डेट भी डाल दें, क्योंकि हर वैक्सीन के साथ जो है डिवार्मिंग यानी कीड़े की दवाई भी दे दें, और इसको आपको अच्छे से मेंटेन रखें। धन्यवाद।